आज हम हमारे गणपति जी का विसर्जन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इनको तालाब में नज़दीकी अपने विसर्जन के लिए ले जाने वाले हैं। तो भाइयों, हमारे गणपति बप्पा को अब ले जाने का समय आ गया है। 10 दिन हमने सेवा कर ली है और बप्पा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, पर लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि नियम के हिसाब से बप्पा को विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी धर्म पत्नी जी और हमारी बहन जी दोनों मिलकर के अभी गणपति बप्पा को उठा रहे हैं और उठाने के बाद गणपति बप्पा को कार में रख रहा है, छोटे भाई के पास बिठाला जाएगा और फिर गाड़ी लेकर के निकला जाएगा। तो गणपति बप्पा मोर या मंगल मूर्ति मोर या, और बहुत दुख भी हो रहा है और अचंभा भी लग रहा है, पर इस बार बप्पा जाएंगे तभी तो अगली बार बप्पा आएंगे और हमको फिर 1 साल का वेट करना है। और ये हमारे छोटे भाई साहब है, अब भाई साहब आगे का मोर्चा संभालेंगे, बप्पा को अपने साथ सामने बिठा लेंगे और कार हम चलाएंगे क्योंकि भैया को कार चलानी आती नहीं है और भाभी को भी कार चलानी आती नहीं है। ये हमारी कार है, छोटा सा परिवार है 5 लोगों का और हम बप्पा की सेवा कर रहे हैं। और अभी हम, अच्छा चूहा छूट गया था जो चूहा को लेने आए हैं, अभी हमारी पत्नी जी ने चूहा को पकड़े है, भैया को दिए, हमारी दीदी जी पीछे से दरवाज़ा लगा के आएंगी। और ये आ गए हम तालाब, अब तालाब पे गणपति बप्पा को लेके हम जा रहे हैं। हमारे भैया जी वीडियो बना रहे, मट्टी बहुत गीली है बारिश होने की वजह से, इस वजह से अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला है, कार नहीं जा सकती। तो हमने कार 100 मीटर दूर खड़ी कर दी और लाइट दिखाने के लिए कार को चालू रखे। और अभी मम्मी दीदी पीछे आ रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे हैं। अब गणपति बप्पा को तालाब में ले जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे और फिर गणपति बप्पा को विसर्जन करेंगे। तो अभी भैया आगे आगे चल रहे हैं और हमारा पीछे पीछे वीडियो बना रहे हैं ताकि हम पूरा टाइम रिकॉर्ड कर सकें और एक मिनी ब्लॉग बना सकें। आज तक ब्लॉगिंग का मन तो नहीं था, पर आज अचानक से पप्पा ने बोला मेरा छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दो, तो हम डाल रहे हैं। यदि आप देखना भाइयों, आप लोगों को कैसा पसंद आया नहीं आया, जितने व्यू लाइक कमेंट आएंगे उसके हिसाब से हम फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। नहीं मिलेगा सबका प्यार तो फिर यही अपने हिसाब से चलते रहेगा धीरे धीरे। शाम हो चुकी है, बारिश आज बहुत तेज आई थी गणपति पप्पा को निकालते समय, इस वजह से पूरा गीला हो चुका है ज़मीन, मट्टी पैर पूरे मट्टी से भर चुके हैं। और ये आ गया हमारा गणपति बप्पा को विसर्जन का पॉइंट। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है तालाब में, तो बढ़िया नीचे हम जाएंगे और सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे रखकर थोड़ी देर पूजा करेंगे और गणपति बप्पा से माफ़ी मांगेंगे। इसके बाद तो बस अब बप्पा अगले बरस आना, हम आपका वेट करेंगे और हमसे जो भी गलती हुई माफ़ी चाहना, माफ़ी करना। और ये हमारे आखिरी दर्शन गणपति बप्पा के, इसके बाद बप्पा अगले साल ही हमसे मिलेंगे, बाकी यादों में हमेशा रहेंगे। आज उनका स्थान पूरा सुना हो जाएगा, घर से ऐसा लगेगा कोई चला गया। और मैं अब जा रहा हूँ विसर्जन के लिए, बप्पा को विसर्जन करूँगा और फिर वापस आऊँगा, फिर हम प्रसाद खाएंगे और आज बप्पा को मिस करेंगे क्योंकि आज से बप्पा 1 साल के लिए फुर्सत, 1 साल बाद ही आएंगे। नीचे बैठ के करना पड़ रहा है क्योंकि काई बहुत जमी है, पैर फिसल जाएगा तो पप्पा के साथ अपना भी विसर्जन हो जाएगा। और ये हमारे पप्पा चले गए, बोलो गणपति पप्पा मोर या मंगल मूर्ति मोर या, अगले बरस तू जल्दी या। पप्पा बोल चुके माफ़ करो, बाबा जी का चूहा रह चुका है, अभी चूहे को भी डालना है, ये बाबा जी का चूहा भी बाबा जी के पास चला गया।